नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको करवा चौथ की व्रत कथा सुनाने वाले हैं। एक साहूकार के 7 पुत्र और 1 पुत्री थी। एक बार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को साहूकार की पत्नी सहित 7 बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। जब साहूकार के बेटे भोजन करने बैठे, तब उन्होंने अपनी बहन से खाना खाने को कहा। तब बहन बोली, भाई अभी चांद नहीं निकला है, चांद निकलने पर उसे अर्घ देकर ही मैं भोजन करूंगी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। वो अपनी बहन को भूख से व्याकुल नहीं देख पाए और शहर के पास की पहाड़ी पर एक दीपक जलाकर चलने की ओट में रख दिया और बहन से बोले, देखो बहन, चांद निकल आया है, अब तुम अर्घ देकर भोजन कर लो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से कहा, भाभी देखो चांद निकल आया है, आप भी अर्घ देकर भोजन कर लो। ननद की बात सुनकर भाभियां बोली, बाईसा ये तो आपका चांद निकला है, हमारा चांद आने में अभी समय है। भूख से व्याकुल वह चांद को अर्घ देकर भोजन करने बैठ गई। जैसे ही पहला घास खाया, उसे छींक आ गई। दूसरा घास खाते ही उसमें बाल निकल आया और तीसरा घास अभी खाने ही वाली थी कि उसके ससुराल से बुलावा आ गया कि पति बीमार है और जिस भी हालत में हो तुरंत ससुराल पहुंचे। उसे विदा करने के लिए माँ ने जब बक्से से कपड़े निकाले तो काले कपड़े मिले, दूसरी बार कपड़े निकाले तो सफेद कपड़े निकले, तीसरी बार फिर बक्से में हाथ दिया तो काले कपड़े मिले। बेटी बोली, माँ तुम ये सब रहने दो, मैं जाती हूँ। माँ घबरा कर बेटी से बोली, बेटा रास्ते में जो भी छोटा बड़ा मिले सबके पैर पड़ती जाना, जो भी बूढ़ सुहागन होने का आशीर्वाद दे वहीं अपने पल्ले में गांठ बांध लेना। बेटी बोली, ठीक है, और वह अपने ससुराल चल दी। रास्ते में उसे जो भी मिला वो सबके पांव छूती गई। सबने सुखी रहो, पीहर का सुख देखो, खुश रहो, ये आशीर्वाद दिया। ऐसे ही वह अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल के दरवाजे पर छोटी ननद खेल रही थी। जब उसके पांव छुए तो उसने आशीर्वाद दिया, सदा सौभाग्यवती रहो, पुत्रवती हो। ये सुनते ही उसने अपने पल्ले से गांठ बांध ली। घर में अंदर गई तो देखा उसका पति मरा हुआ जमीन पर लेटा है और उसे ले जाने की तैयारी हो रही है। वो बहुत रोई, बहुत चिल्लाई। जैसे ही उसे ले जाने लगे वो रोती चिल्लाती बोली, मैं इन्हें ले जाने नहीं दूंगी। फिर भी जब कोई ना माना तो बोली, मैं भी साथ में जाऊंगी। नहीं मानी तो सब बोले, ले चलो साथ में। वो साथ साथ शमशान में चली गई। जब उसके पति के अंतिम संस्कार का समय आया, बोली, मैं इन्हें नहीं जलाने दूंगी। सब बोले, पहले तो पति को खा गई, अब उसकी मिट्टी भी खराब कर रही है। लेकिन वो नहीं मानी, अपने पति को लेकर बैठ गई। गांव के और परिवार के सभी बड़े लोगों ने ये निर्णय लिया कि रहने दो इसे यहाँ, इसके लिए एक झोपड़ी बनवा दो। वो वहाँ अपने पति को लेकर रहने लगी, अपने पति की साफ सफाई करती और उसके पास बैठी रहती। उसकी छोटी ननद दिन में 2 बार आकर उसे खाना दे जाती थी और वह हर चौथ का व्रत करती, चांद को अर्घ देती, जोत देखती। और जब चौथ माता ये कहती हुई आती, करवो ले करवो ले, भाइयों की प्यारी करवो ले, घड़ी बुखारी करवो ले, तो वह चौथ माता से अपने पति के प्राण मांगती। पर चौथ माता उसे ये कहती, हमसे बड़ी चौथ माता आएगी तब उससे अपने पति के प्राण मांगना। ऐसे एक एक करके सभी चौथें आई और सब यही कहती चली गईं।
अश्विन की चौथ माता बोली, तुझसे कार्तिक की चौथ माता नाराज है, वो ही तेरा सुहाग लौटाएंगी। जब कार्तिक की सबसे बड़ी चौथ करवा चौथ आई तो उसने अपनी छोटी ननद से 16 श्रृंगार का और सुहाग का सामान मंगवाया और करवे मंगवाए। सास ने सोचा, पागल हो गई है, जो मांगती है दे आओ। साहूकार की बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा, चांद निकलने पर अर्घ दिया, चौथ माता की जोत करी। जब चौथ माता प्रकट हुई और बोली, करवो ले भाइयों की प्यारी, करवो ले दिन में चांद उगाने वाली, करवो ले घड़ी बुखारी, करवो ले। तब उसने उनके पैर पकड़ लिए और बोली, माता मेरा सुहाग वापस करो। चौथ माता बोली, तू तो बड़ी भूखी है, सात भाइयों की प्यारी बहन है, तुझे सुहाग से क्या काम। तब वह बोली, नहीं माता, मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरा सुहाग वापस नहीं करती। चौथ माता ने सुहाग का सारा सामान मांगा तो उसने एक एक कर 16 श्रृंगार का पूरा सामान चौथ माता को दे दिया। चौथ माता ने अपनी आँखों से काजल निकाला, नाखूनों से मेहंदी निकाली, मांग से सिंदूर निकाला और चिटकी उंगली का छींटा दिया। उसका पति जीवित हो गया और चौथ माता जाते जाते उसकी झोपड़ी पर लात मार गई, जिससे उसकी झोपड़ी महल बन गई और उसका पति जीवित हो गया। जब छोटी ननद खाना लेकर आई तो देखा, भाभी की झोपड़ी की जगह तो महल खड़ा है। वो ननद को देखते ही दौड़ी दौड़ी उसके पास आई और बोली, देखो बाईसा, आपका भाई वापस आ गया है, घर जाओ और सासू जी से कहो गाजे बाजे के साथ हमें लेने आए। छोटी ननद दौड़ी दौड़ी माँ के पास जाकर बोली, मामा भाई जिंदा हो गया। माँ बोली, उस भाभी के साथ साथ तेरा भी दिमाग खराब हो गया है। ननद बोली, नहीं माँ, मैंने देखा है, सच में भाई जिंदा हो गया है, भाभी ने गाजे बाजे के साथ बुलाया है। सभी घर वाले गाजे बाजे के साथ अपने बेटे को लेने पहुँचे। बेटे को जिंदा देखकर सास बहू के पैर छूने लगी और बहू सास के पैर छूने लगी। वो बोली, देखो माताजी, आपका बेटा वापस आ गया। सास बोली, मैंने तो साल भर पहले ही इसे भेज दिया था, वो तो तू ही थी जिसके भाग्य से ये वापस आया है। हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी के साथ पहले किया वैसे किसी के साथ मत करना, और बाद में जैसे उसे सुहाग दिया वैसे सबको देना। कहते हुए सुनते हुए हुंकार भरते हुए सभी पर अपनी कृपा बनाना। जय चौथ माता। एक समय की बात है, एक गांव में एक अंधी बुढ़िया माई रहती थी। उसके परिवार में उसके पति, बेटा व बहू थे। वो बहुत गरीब थे, उनके पति की तबीयत भी खराब रहती थी। बुढ़िया माई का प्रतिदिन गणेश जी की पूजा करने का नियम था। एक दिन गणेश जी महाराज बुढ़िया माई से प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट होकर बोले, बुढ़िया माई, मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे कोई भी वर मांग लो। तब बुढ़िया माई बोली, हे कृपा सिंधु, मुझे तो मांगना नहीं आता। गणेश जी बोले, बुढ़िया माई, मैं आया हूँ तो तुझे कुछ ना कुछ तो देकर जाऊंगा। बुढ़िया माई फिर बोली, प्रभु, जिंदगी में पहली बार आप सामने आए हो, मुझे नहीं पता इस समय मैं आपसे क्या मांगू, आपके दर्शन से ही मेरी सारी इच्छाएं खत्म हो गई। ये सुनकर गणेश जी मुस्कुराए और बोले, बुढ़िया माई, मैं कल फिर आऊंगा, तब तक तुम सोच लो, अपने घर में पूछ लो। बुढ़िया माई बोली, ठीक है प्रभु। अब गणेश जी चले गए। बुढ़िया माई ने अपने बेटे को सारी बात बताई। बेटा बोला, माँ धन मांग लो। बुढ़िया माई को कुछ सही नहीं लगा, उसने बहू से पूछा तो बहू बोली, माँ पोता मांग लो। बुढ़िया माई ने
अपने पति से पूछा तो वो बोला, अरे मेरी जिंदगी मेरी सेहत मांग लो। तब बुढ़िया माई ने सोचा, ये सब तो अपने अपने मतलब का मांग रहे हैं, क्यों ना मैं एक बार पड़ोसन से पूछ लूं। पड़ोसन से पूछा तो पड़ोसन बोली, बुढ़िया माई तू क्यों धन मांगे, तू क्यों पोता मांगे, तू तो अपने लिए दीदा घोड़ा यानी अपनी आंखें और घुटने मांग ले। तब बुढ़िया माई घर आकर सोचने लगी, ऐसी चीज मांगनी चाहिए कि बेटा बहू भी खुश हो जाए और अपना भी काम हो जाए। बुढ़िया माई सारा दिन सोचती रही। सुबह हुई, बुढ़िया माई पूजा करने लगी, तभी गणेश जी भगवान आए और कहने लगे, बुढ़िया माई सोच लिया, अब बता क्या मांगती है। तब बुढ़िया माई बोली, हे गणेश जी महाराज, दया के सागर, आप ऐसी कृपा करो कि मैं सोने के कटोरे में अपने पोते को दूध पीता देखूं, अमर सुहाग दे दो, निरोगी काया दे दो, सभी को सुख दे दो। तब गणेश जी भगवान बोले, माई तूने तो मुझे ठग लिया, सब कुछ मांग लिया और कहती है मुझे मांगना नहीं आता, पर ठीक है, तथास्तु। तथास्तु कहकर गणेश जी महाराज अंतर ध्यान हो गए, बुढ़िया माई के सब सुख ही सुख हो गया। गणेश जी महाराज जैसे बुढ़िया माई पर कृपा करी, सब पर करना। इस कहानी को कहते सुनते हुंकार भरते सब पर अपनी कृपा बरसाना। बोलो गणेश जी महाराज की जय।